हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन धरती में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा तत्व है, और ये जैसे तो नॉर्मली कोई काम का नहीं है, लेकिन इसको काफ़ी सारे एलिमेंट के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए, जैसे गैलियम के साथ या फिर आर्सेनिक के साथ या फिर एल्युमिनियम के साथ मिक्स कर दिया जाए, तो इसका जो अलॉय है ये हमारे ह्यूमन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हद तक काम में आता है, और एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल मटेरियल भी है। तो इसी के चलते जो हमारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं और RMIT यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने मिलकर इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और सिलिकॉन 24 या फिर 4H सिलिकॉन का स्ट्रक्चर तैयार किया है। वैसे ये स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये मैं बता दूँ कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। आमतौर पर जो सिलिकॉन एलॉय के स्ट्रक्चर्स बनाता है वो स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त इन्होंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो भी एक सिलिकॉन ही है, लेकिन सिलिकॉन को हम, जैसे मैंने कहा था कि हम नॉर्मली उसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो एलोट्रॉप्स हैं और जो अभी पाया गया है हेक्सागोनल शेप में SI24 नाम से, मतलब सिलिकॉन का 24th मतलब उसका एलिमेंट ऐसा एलोट्रॉप है, उसका वेट 24 है और सिलिकॉन है वह। तो इससे होगा क्या कि इसमें जो हमारे फोटोवोल्टिक सेल्स है या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर्स है उनके परफॉर्मेंस को ओवरऑल इंक्रीज किया जाएगा, और जो हम डोपिंग वगैरह करने के बाद जो ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं, PNN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, इन सारे में इफ़िशियंसी और बढ़ जाएगी और हम हाई कैपेसिटी के साथ इन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं के चलते इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल रिसर्च की है और इन्होंने पाया कि जो क्यूबिक शेप है वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जो अभी हेक्सागोनल शेप है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा और हमारे जो आने वाली ईरा है, मतलब आने वाली जनरेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाईली यूज़ होने वाला मटेरियल भी ये होगा। तो उसके चलते हमारी इफ़िशियंसी सिलिकॉन को यूज़ करने की काफ़ी बढ़ जाएगी, और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो भी गैजेट्स हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकती है, और इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारे जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होता है ई वेस्ट के थ्रू, तो वो भी काफ़ी हद तक हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये थी आज की न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया से, रिसर्च से रिलेटेड, सिलिकॉन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, तो ये थी आज की रिसर्च न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।